Yes, case study beta, I'm reading. You also read along with in your module. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने मेरे को आंसर बताने हैं, ठीक है? इन एवीएम स्कूल एनुअल फंक्शन इज प्रपोज्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन विंटर सीजन, देयरफॉर दे सजेस्टेड टू मैनेजमेंट फॉर कोनिकल शेप्ड टेंट टू बी प्लेस्ड इन स्कूल्स प्लेग्राउंड. कोनिकल टेंट्स बनाने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. कोनिकल टेंट्स की काफी बार क्वेश्चन आता है, ओके? कि कितना कैनवस इसमें यूज हुआ एंड व्हाट विल बी द एरिया. देन द मैनेजमेंट अग्रीड एंड ऑर्डर टू मेंबर्स ऑफ द स्कूल टू परचेज अ पीस ऑफ कैनवस. टू परचेज, टी का जो है वो एक ओ जो है काट दो, इट इज TOO, इट शुड बी TO. टू परचेज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 702 मीटर स्क्वायर. ओके, वॉट इज गिवन टू अस इन दिस सेंटेंस, वी विल राइट डाउन इमिडिएटली इन द नोटबुक, ठीक है? जो जो हमें बता रही है साथ के साथ हम लिखेंगे. इट इज रिटन कि द कर्व सर्फेस एरिया, द ऑर्डर द मैनेजमेंट टू परचेज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 702 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ कैनवस इज गिवन, एरिया ऑफ कैनवस प्लीज राइट डाउन, इट इज इक्वल टू 702 मीटर स्क्वायर. इसका बाद में यूज होगा, ओके? दे यूज इट टू मेक अ कॉनिकल टेंट विद 8 मीटर बेस रेडियस. अगेन राइट डाउन, रेडियस इज गिवन इज इक्वल टू 8 मीटर्स. फाइन, सपोज दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स, जब हम स्टिचिंग करते हैं कुछ काटना भी पड़ता है, कुछ फोल्ड भी करना पड़ता है, तो उसमें भी कपड़ा जो वेस्ट जाता है, तो उसके हमें दिया हुआ है, सपोज दैट ऑल स्टिचिंग मार्जिन एंड कंजम्पशन इनकर्ड वाइल कटिंग इज अबाउट 2 मीटर स्क्वायर. 2 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा है दैट इज यूज हुआ है आपका कटिंग एंड ऑल में, ठीक है? यूज इन कटिंग, यूज इन कटिंग, ये अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है ताकि उसको यूज कर पाओ बाद में. तो इसका मतलब है कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे उसको 2 मीटर स्क्वायर को भी यूज करना पड़ेगा, ओके? सो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चंस बिलो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवस अवेलेबल फॉर मेकिंग द टेंट? एरिया ऑफ द कैनवस अवेलेबल फॉर मेकिंग द टेंट वॉज इज 710 और 600 और 700 और 788. जिसके जो कपड़ा हमने कैनवस जो है वो यूज किया टेंट बनाने के लिए, वो कितना होगा? टोटल इट वॉज 702, ओके? तो आपका ए पार्ट का आंसर क्या होगा? 702 माइनस 2, क्योंकि टू ये जो हमारा कटिंग में यूज हुआ, मार्जिन में यूज हुआ, दैट ऑल्सो वी हैव डिडक्टेड. फाइन, इट विल बी 700 मीटर स्क्वायर. एनी डाउट इन दिस? ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवस अवेलेबल फॉर मेकिंग द टेंट इज 700 मीटर स्क्वायर, फर्स्ट आंसर. सेकेंड, कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट. स्लांट हाइट तो क्या निकालना है इसमें बेटा? एच एल निकालना है आपको, वेरी गुड. एल वी हैव टू फाइंड आउट. अब एल कहाँ से आएगा ऑल ऑफ अ सडन? अभी तक तो हमें सिर्फ आर पता था, एच भी नहीं पता उसका. हाउ विल वी फाइंड एल? एनीबडी? नाइन्थी? यस, वेरी जल्दी से बता दो बेटा. स्लांट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाई मैम पाई आर प्लस आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर. आर एल, बस पाई आर एल, दैट्स इट. क्योंकि हमने क्या निकालना है इसका? स्लांट हाइट निकालनी है. स्लांट हाइट के लिए पाई आर एल हमें पता है कि वो 700 है. क्यों 700 है? बिकॉज कैनवस इज यूज फॉर मेकिंग द टेंट एंड दैट टेंट इज कॉनिकल. अभी अभी हमने निकाला, तो दैट 700 विल बी यूज इन
योर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जब टेंट बना रहे हैं वी आर मेकिंग द सराउंडिंग, इज इट नॉट द बेस? बेस पे तो आपका ग्राउंड है. ओके, तो फॉर सराउंडिंग वी आर यूजिंग पाई आर एल, सो इट विल बी पाई आर एल इज इक्वल टू दिस. कैन यू फाइंड एल फ्रॉम हियर? जल्दी से निकाल लो. आर यू नो 8 पाई इंटू 8 इंटू एल इज इक्वल टू 700. प्लीज कैलकुलेट एल की वैल्यू निकालो. नाइन्थ बी है, जस्ट ज्वाइन. कोई बात नहीं बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका केस स्टडी का, ये क्वेश्चन हो रहा है मॉड्यूल 1 का. वी हैव जस्ट स्टार्टेड, कुछ मिस नहीं हुआ आपका. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क मी, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा तो. ओके, एल इज गिवन टू यू बेटा, इट इज कमिंग आउट टू बी ए ऑप्शन. आपकी 27 पॉइंट एल विल बी कमिंग, स्लांट हाइट आपकी आ रही है 27.82 मीटर्स. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अगर अभी नहीं हो रही है यू कैन लीव अ स्पेस. आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा मैं फोकस करूंगी, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो अपने आप. आपकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो कि क्वेश्चन समझ आया कि नहीं. हमने पाई आर एल लगाया तो क्यों लगाया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लीज नोट इट डाउन टिल हेयर. एंड चिल्ड्रन हु हैव नोटेड ऑलरेडी, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. जितनी अपनी एफर्ट्स लगाओगे इतनी जल्दी आपको समझ आएगा. वेरी गुड, चिल्ड्रन आर नोटिंग, आई एम वेटिंग फॉर देम. नोट इट डाउन, यू कैन लीव 3-4 लाइन्स फॉर द कैलकुलेशन की कैसे ये आया 27.84 मीटर्स, दैट यू कैन डू. ओके, थर्ड क्वेश्चन बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट. हाइट सी 5, वी हैव टू फाइंड हाइट. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ? जितने से क्वेश्चन आगे चलते जाते हैं आपकी और क्लैरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें और चीजें पता चलती जाती हैं. ओके, हाउ विल यू फाइंड एच? 9th बी, गुरमन आर यू देयर? यस यस, आ जाओ बेटा आगे. इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं. आप कुछ यूज करना चाहते हो तो ए पार्ट से भी यूज कर सकते हो, बी से भी यूज कर सकते हो. यस, जल्दी से बता दो, हाउ विल यू फाइंड एच? h=l² - r² √ एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो जाओ सीट पे. वेरी गुड बेटा, प्लीज गो एंड कैलकुलेट. वेरी गुड, यू हैव सेड h² = l² - r² ये माइनस कहाँ से आया? हमने तो प्लस वाला फॉर्मूला किया था, l² = r² + h². आपने जो नोट्स में अपने फॉर्मूला लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, बट नाउ वी आर फाइंडिंग h² सो h ऑफ कोर्स वी विल ट्रांसफर r ऑन दिस साइड. तो प्लीज कैलकुलेट इट, l² इसका स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर. ठीक है, अभी ये डेसिमल में आपका नंबर है 2784, डजंट मैटर, हाँ डेसिमल काट के नीचे 100 कर दो. ठीक है, मूव योर पेन. वेरी गुड, दिस विल बी 2784 / 100 -64. ठीक है, डोंट वरी, जब आप इसको ऊपर नीचे इसका एलसीएम लोगे तो ये अपने ऑटोमेटिकली छोटी टर्म बन जाएगी. ठीक है बेटे, यू कैन लीव द स्पेस. 3-4 लाइंस इसके लिए छोड़ सकते हो कैलकुलेट करने के लिए. इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 711. अगर नहीं आएगा यू कैन आस्क मी टुमारो कि नहीं आ रहा है. आज कैलकुलेशन पार्ट आई एम लीविंग इट टू यू, दैट यू कैन डू. वी विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आज हमारा 4th डे इस चैप्टर का करने का. ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी फाउंड एंड अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड. ओके, 711 इज कमिंग, आई एम गिविंग यू आंसर. यू कैन लीव द स्पेस हियर टू कैलकुलेट, दैट यू कैन डू इन योर फ्री टाइम ऑल्सो, स्कूल में चाहे घर में, जहां भी आपको टाइम मिलेगा. ओके बेटे, तो 711 स्क्वायर रूट इज कमिंग. तो इसका एच हमने निकालना है, तो इसका
हाइट विल बी कमिंग आउट टू बी, आई विल टेल यू। अगर इसको अप्रोक्सीमेट आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना किया हुआ है बेटा डेसिमल में, तो इसका आंसर है 26.67। इसको मार्क कर लो, दिस इज सी ऑप्शन मीटर, दिस इज सी ऑप्शन। प्लीज लीव टू टू थ्री लाइन्स फॉर कैलकुलेशन। 711 का स्क्वायर रूट किस किस को निकालना आता है, रेज योर हैंड। हैव यू रेड इन 8th क्लास स्क्वायर रूट किया हुआ है आपने बेटा? यस 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 यू कैन डू इट, यस यस वेरी गुड। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा बेटा, अब आप 9th क्लास में हो, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 711 का आप रफ में जब निकालोगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लेना, क्योंकि हमारे आंसर्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हैं, तो इट विल बी 26.67 मीटर। आई एम गिविंग यू क्लू ऑफ दैट, प्लीज ट्राई एट होम। 4th क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन? वेरी वेरी सिंपल मैम, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, एवरीबडी नोज, रेज योर हैंड। यस गुड गुड वेरी गुड, बी ऑप्शन, सबको पता ये फॉर्मूला टोटल सर्फेस एरिया को। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्लीज टिक मार्क इट। 5th क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कोनिकल टेंट। वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, सिंपल वॉल्यूम पूछा है आपको, आर भी पता है, एल भी पता है, एच भी पता है। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉनिकल टेंट बेटा, रेज योर हैंड, हु ऑल नो वॉल्यूम? 1/3 πr² h। 1/3 πr² h, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। बाकियों को पता है, किसी को, जिस इसको पता है, रेज योर हैंड, सबको पता है, वेरी गुड। यू कैन फाइंड आउट डी पार्ट वॉल्यूम, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, दिस यू कैन डू एट होम ऑल्सो। सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, एंड इसका मैं आपको क्लू दे रही हूँ, बी ऑप्शन इज कमिंग, बी ऑप्शन 1788.16 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चे, प्लीज मार्क इट, मीटर क्यूब सॉरी, बिकॉज ये वॉल्यूम है ना, इसके यूनिट क्यूब में आएगी। प्लीज मार्क इट, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। ओके, अब तो आपने बहुत तरीके के क्वेश्चंस कर लिए, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके बच्चे, लेट्स मूव अहेड, आपका मॉड्यूल 2, सबके पास है मॉड्यूल 2 बेटा? यस, प्लीज ओपन इट, मॉड्यूल 2। सबसे पहले आपके assertion reason है, बहुत ही सिंपल, राइट। Assertion, the volume of the cone of radius r and height h is given by the formula v is equal to 1/3 πr² h. बेटे आपको मॉड्यूल में अपना क्वेश्चन रीड करना है, जब मैं रीड कर रही हूँ आपको भी मॉड्यूल में देखना है क्वेश्चन, ओके? क्योंकि सुनने में और साथ साथ में सुनते सुनते जब आप अपनी वर्कशीट में भी पढ़ोगे और क्लैरिटी होगी। अगर आप सिर्फ बोर्ड को ही देखते जाओगे तो आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा, फोकस ऑन द क्वेश्चन ओनली, इज इट क्लियर? फोकस कब होगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। मैं रीड कर रही हूँ तो आप क्वेश्चन को साथ साथ में पेंसिल से उसको अंडरलाइन करके प्लीज उसको देखो कि मैम क्या बोल रहे हैं, ओके? टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर, कोई डाउट है तो यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी। सो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू 1/3 πr² h. Is it true? Yes. Raise your hand who are saying true. Everybody knows? Very good. This is true. Reason, the total surface area of cone is pi r l plus pi r square. Is it true? Ma'am, yes. Yes, very good.
ऑप्शन विल बी ए और बी. बी बी वेरी गुड. दे आर नॉट रिलेटेड. उसमें वॉल्यूम की बात हो रही है, इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है. यू हैव बिकम एक्सपर्ट नाउ. ठीक है, बी कॉन्फिडेंट इन टेलिंग. यस. सेकंड क्वेश्चन, हु इज सेइंग ए. ए नहीं है बेटा, इसकी बी ऑप्शन आएगी फर्स्ट क्वेश्चन की. ओके राइट. सेकंड क्वेश्चन बेटा, असर्शन, द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया एंड स्फीयर इज सेम. ट्रू. ट्रू. सबको पता है ट्रू है ये. यस आई एक्सप्लेन यू ऑल्सो कि एक स्फीयर में हमारा टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है. ओके दिस इज ट्रू. रीजन, द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज सेम. फॉल्स. फॉल्स. हेमिस्फीयर में तो एक सर्कल भी ऐड हो जाता है जिसके बारे में हम फॉर्मूला लिखते हैं. टोटल सर्फेस एरिया कभी भी उसके इक्वल नहीं होता. दिस इज फॉल्स. विच ऑप्शन? सी. सी. ऑल राइट. थर्ड क्वेश्चन, एस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एवरीबडी नोज. फॉल्स. फॉल्स. यस. क्या होना चाहिए वहां पे? 4 की जगह 4 बाय 3. वेरी गुड. दिस इज फॉल्स. रीजन, द रेडियस स्लांट हाइट सॉरी द रेडियस स्ट्रेट हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ट्रू. यू हैव डन मेनी टाइम्स. दिस इज ट्रू. वेरी गुड. सो इट विल बी विच ऑप्शन? बी. ऑल राइट. वेरी गुड. बी ऑप्शन. वेरी गुड. अभी एमसीक्यू पे आ जाओ. अब आपकी ये रिविजन ही हो रही है क्वेश्चन की. अभी ये न्यू क्वेश्चन नहीं है, आपके किए हुए क्वेश्चन हैं. बी कॉन्फिडेंट, सब कुछ पता है आपको. हेमिस्फीयर की शेप आपके माइंड में है, स्फीयर की शेप आपके माइंड में है, आपको कोन की शेप आपके माइंड में है, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है वो भी पता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो भी पता है. डू इट कॉन्फिडेंटली. वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस और कैलकुलेशन आप घर पे करोगे. ओके, कीप लिविंग 4 4 लाइंस फॉर द कैलकुलेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, हु इज टेलिंग मी फ्रॉम 9th D? 9th D, अरमान, आर यू देयर? डी सेक्शन है यहाँ पे. ओके एब्सेंट. ई सेक्शन, आकाश कुमार. या आगे आ जाओ बच्चे. वेरी गुड. एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन, area of base of cone. Don't listen to anybody. What is the area of base of cone? Can you tell me? Yes? A option. Area of circle. Yes, confidently bolo. Is equal to area of circle. Likh bhi do isko. Likhne se you will never, never forget. Area of base of cone is equal to area of circle, which is given to be 616 centimeter square. Okay, move ahead. Its height is given 48 centimeter. H. Cone ki baat ho rahi hai. This is given it to be 48 centimeter. Height is given. Okay, what is the total surface area? Total surface area hume nikalna hai. TSA we have to find out. TSA का पहले तो formula लिख लो. 9th F section. Harshdeep. Ma'am, shifted. Shifted. Navdeep Kaur. 9th F. Ma'am, pi r r plus l. Excellent. पाई आर प्लस पाई आर एल. इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, थोड़ा सा कुछ मिस कर दिया आपने. पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. ठीक है, उन्होंने जो पूछा था हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया. अभी थिंक ऑफ इट कि हमें दिया क्या हुआ है. ये 4616 जो दिया हुआ है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल दिस इज पाई आर स्क्वायर. वी कैन पुट द वैल्यू डायरेक्टली. इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं, इसको ब्रैकेट में भी डालने की जरूरत नहीं है.
उसको एज इट इज यूज करो. 616 इधर लिख दो प्लस पाई आर एल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टी एस सी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो जो आपको पाई आर स्क्वेयर दिया हुआ है, अब पाई आर एल जो निकालना है उसके लिए हमें एल चाहिए, निकालने के लिए हमें एच तो गिवन है लेकिन आर भी चाहिए, ठीक है. तो यू कैन यूज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616. सो यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616. यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, और आर यू कैन से इंटू 7/22. ओके, हाथ आपका कंटिन्यूस चलना चाहिए, आप कुछ कुछ उसको यू नो कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहीं डिवाइड कर रहे हो, तो जल्दी से इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ रहा है. आई एम राइटिंग फॉर यू 196. इसको आपने घर पे करना, आई एम पुटिंग अ स्टार हियर विच यू, जो कैलकुलेशन आपने घर पे करनी है. आर विल बी इक्वल टू वॉट, एवरीबडी नोज 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 14. आर इज इक्वल टू 14, ठीक है. कुछ कुछ तो आपको ओरल भी अभी पता चल गए होंगे. आर इज इक्वल टू 14. अभी हमने निकालना है इसका पाई आर एल. पहले पाई आर एल निकालोगे, ठीक है, आपका अभी जो क्वेश्चन है जो आपने घर जाके करना है, एक पाई आर एल निकालोगे क्योंकि आपको एल पता चल चुके हैं इसमें एच और आर से, ठीक है, और उसके बाद आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे. कैन यू फाइंड इट एट होम, या फिर हम यहीं पे करें पूरा क्वेश्चन? प्लीज टेल मी, अगर हम इसी क्वेश्चन को अभी कंप्लीट करेंगे तो इसी में ही आपके 10 मिनट 15 मिनट निकल जाएंगे. कैन यू डू एट होम? वेरी गुड. एच आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, यू कैन फाइंड एल, उससे पाई आर एल आ जाएगा, फिर आपके पास टी एस सी आ जाएगा, ठीक है, दोनों को प्लस करके आपके पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा ही हुआ है और आपने यही निकालना था इसमें, टीएसए आपने निकालना था. इसका मैं हिंट आपको दे दूं सो दैट आप भी यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपने ठीक किया है. इसकी ये ऑप्शन है बेटा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लीज मार्क इट 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्राई एट होम एंड चेक द आंसर, ठीक है. 50% क्वेश्चन तो हमने इधर ही कर लिया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई है, यू कैन डू एट होम. ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो वाले क्वेश्चन. एवरीबडी हैज नोटेड दिस. सेकेंड क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ हॉलो कॉनिकल यूटेंसिल. हॉलो मीन्स उसका ऊपर से वो सर्कल नहीं यूज कर रहे हैं, उसका जो कवर है, ठीक है. द गिवन फिगर शोज अ हॉलो कॉनिकल यूटेंसिल एंड अ हॉलो सेमीस्फेरिकल, ठीक है, यूटेंसिल है जिसमें हम कुछ डाल सकते हैं. ओके, द रेडियस ऑफ ईच यूटेंसिल इज सेम, जो जो बताया उसको नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर टू, रेडियस ऑफ, यहाँ पे बात हो रही है आपकी कोन की, एक कोन की बात हो रही है और दूसरी बात हो रही है हमारी हेमिस्फीयर की. जब भी आपको क्वेश्चन आए ना बेटा, इसका रेशियो वाला क्वेश्चन आए, उनको टू पार्ट्स में पहले तो लिख लो सामने. रेशियो तभी निकलेगी अगर आमने सामने पहले तो उनका कंपैरिजन कर लो कि हाँ के बारे में क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर के बारे में क्या दिया हुआ है, उनका क्या रिलेशन दिया हुआ है, फिर आपकी रेशियो निकलती है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोन एंड हेमिस्फीयर एंड दोनों का रेडियस सेम है, आर इज सेम, इसका भी आर है, इसका भी आर है, ठीक है. देन एंड व्हेन दे आर पॉलिश्ड विद द सेम काइंड ऑफ मटेरियल, सेम काइंड ऑफ मटेरियल से दोनों को पॉलिश किया, उसको भी और उसको भी, तो द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग देम इज ऑल्सो सेम. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज सेम से आपको क्या क्लू मिल रहा है? What knowledge you gain from it? कि तुमने कोन को भी पॉलिश किया, यहाँ पे कोन था आपके पास, जब उसको पॉलिश किया और एक हेमिस्फीयर को पॉलिश किया इंटरनली ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हॉलो थे इंटरनली, यहाँ पे आपने पॉलिश किया इसके भी यहाँ पे, तो आपको क्या क्लू मिल रहा है इससे?
क्या सेम हो सकता है दोनों का? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज सेम, कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, वेरी गुड। इसका मतलब सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत एक सेंटेंस से आपको बहुत अच्छा क्लू मिल रहा है, ठीक है? दोनों इक्वल है, तो अभी फॉर्मूला लगा दो दोनों का। कोन का हमारे पास है पाई आर एल, और इसका हमारे पास है हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है? बोल, टेल मी फॉर्मूला। यस, जल्दी से बताओ। टू पाई, टू स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। यस, टू पाई आर स्क्वायर, ये बोथ आर इक्वल। ठीक है, करो इसको, वट एवर यू फाइंड यू कैन कट इट। पाई कैन बी कैंसल, आर यू नो एक आर कैंसल हो जाएगा बिकॉज रेडियस इज सेम, ठीक है? एल इज इक्वल टू टू आर, एल विल बी इक्वल टू टू आर, आपको पता चल रहा है। एल क्या चीज है? कोन की, कोन की बात कर रहे हैं कि उसकी जो स्लांट हाइट है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है। बहुत अच्छा रिलेशन आपके पास आ गया है, ठीक है? हमने निकालना क्या था? डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर एंड डेप्थ ऑफ कोन। ओके, नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एवरीबडी नोज ये फॉर्मूला, तो प्रोमिनेंट आपको पता ही है। इसकी वैल्यूज डाल दो, टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है बेटे? इसको कैलकुलेट करो, फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूरा मैं ही करवाऊंगी आपको, क्योंकि आपको रेशियो निकालनी है इसमें। यू कैन डू साइड बाय साइड, थ्री आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर, और यू कैन डू आफ्टर दिस, यू कैन सी हियर स्क्वायर रूट थ्री आर विल बी इक्वल टू एच। स्क्वायर रूट थ्री आर इज इक्वल टू एच। अब आपने जो क्वेश्चन में निकालना था वो था डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर एंड डेप्थ ऑफ कोन। डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर रेशियो डेप्थ ऑफ कोन। ओके, अब डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर क्या चीज है? एच मीन्स हेमिस्फीयर। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, इट इज हेमिस्फीयर। डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर मतलब उसकी हाइट कितनी है। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच इन हेमिस्फीयर? हु विल टेल मी? मैंने आपको बताया भी था जब पीछे को हमने क्वेश्चन किया था, एक हेमिस्फीयर के में रेडियस और हाइट का क्या रिलेशन होता है? यहाँ पे एच है और यहाँ पे आर है। एच इज इक्वल टू टू आर। एच इज इक्वल टू आर, बोथ आर सेम। एच इज इक्वल टू आर इन हेमिस्फीयर, इन हेमिस्फीयर। नोट डाउन कर लो इसको, इन हेमिस्फीयर एच इज इक्वल टू आर हमेशा। जब हम उसको सेंटर में से काटते हैं, हाइट हमेशा हाई रेडियस के इक्वल होती है, प्लीज माइंड इट, ठीक है? तो हेमिस्फीयर की डेप्थ हमारे पास आर है, रेशियो डेप्थ ऑफ कोन हमारे पास क्या आई है? स्क्वायर रूट थ्री आर, ऊपर से हमने निकाली है अभी, एच इज इक्वल टू, ठीक है? तो इट विल बी इसकी हेमिस्फीयर का रेडियस, आर आर विल बी कैंसल, यू कैन डू वन रेशियो स्क्वायर रूट थ्री। कौन सी ऑप्शन आ रही है हमारी? सी ऑप्शन। प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, कुछ पूछने तो पूछ लो। और ये जो मैंने बॉक्स, दिस इज योर फॉर्मूला, प्लीज राइट इट, इसको हाईलाइट कर लेना, कि आर इज इक्वल टू एच इन हेमिस्फीयर। लास्ट टाइम जब मैंने आपको हेमिस्फीयर दिखाया था, आई टोल्ड यू कि हेमिस्फीयर में जब हम करते हैं हमेशा उसकी जो हाइट आती है वो उसकी रेडियस की इक्वल होती है। क्वेश्चन में बताया गया है या नहीं? यू कैन यूज इट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क एनी सेल्फ।
बेटे हेमिस्फीयर में तो देखो आर इज इक्वल टू एच पहले से ही था, आपको पता था। हमने ये सारे ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों किया इतना लंबा, यहाँ से यहाँ तक क्यों किया? हु विल टेल मी व्हाट वाज द नीड? टू फाइंड द डेप्थ ऑफ कौन, क्या निकालने के लिए किया हमने ये सब? टू फाइंड द डेप्थ ऑफ कौन, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ कोन, टू फाइंड द हाइट ऑफ कोन, ताकि हम बाद में उसकी रेशियो निकाल पाए, ठीक है। और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो एल स्क्वेयर आर स्क्वेयर वाला है, इसको प्लीज अपनी प्रैक्टिस कर करके बी कॉन्फिडेंट इन फाइंडिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि ये काफी क्वेश्चंस में होता है, किसी में एल निकालना है किसी में एच निकालना है, तो स्क्वायर रूट की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके जितने क्वेश्चंस आप करोगे आपकी प्रैक्टिस होगी स्क्वायर रूट निकालने में। आपने 8th में पूरा चैप्टर किया हुआ है तो यू नो हाउ टू फाइंड इन डेसिमल्स अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। सिंपल नंबर तो आपके ओरली भी हो जाते हैं, आपको एलसीएम लेने की अभी जरूरत नहीं है, अपनी डिवीजन वाला मेथड अप्लाई किया करो स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इट सेव यू लॉट ऑफ टाइम, कि अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में निकल जाएगा, नहीं है तो भी निकल जाएगा, इट विल नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके एनी डाउट इन दीज स्टेप्स? चलो वेरी गुड, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी है सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट स्फीयर इज कट फ्रॉम अ क्यूब, एक क्यूब के अंदर से जिसकी हमें साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर हमें साइड दी हुई है, इसमें से हमने एक स्क्वायर जो है स्फीयर काट लिया कंप्लीटली। वी हैड अ क्यूब जिसकी साइड थी 5 सेंटीमीटर, वी हैव कट अ स्फीयर, लार्जेस्ट स्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय लार्जेस्ट स्फीयर? एनी क्लू, व्हाट इज द क्लू फ्रॉम लार्जेस्ट स्फीयर यू गेट? लार्जेस्ट स्फीयर का मतलब कि उसका जो साइड है वो उसका बन जाएगा डायामीटर ऑफ स्फीयर। दिस इज द नॉलेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट सेंटेंस, कि एक क्यूब में से हमने लार्जेस्ट स्फीयर निकाल लिया, इसका मतलब क्यूब को हमने वेस्ट नहीं किया, उसकी पूरी की पूरी जो साइड थी उसको हमने स्फीयर के डायामीटर में कन्वर्ट कर लिया, पूरे का पूरी साइड जो है यहां से लेके यहां तक ये पूरा इसके डायामीटर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो डायमीटर आपके पास क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अभी क्यूब को छोड़ दो, अभी हम स्फीयर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे आर आस्किंग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसके लिए आपको आर चाहिए होगा, आर विल बी इक्वल टू 5/2। जब भी आप ऐसे निकालते हो रेडियस को, इसको डेसिमल में मत कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को ही आगे यूज करो, ठीक है। कई बच्चे इसी को ही लेके बैठ जाते हैं, वो 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, उसको डेसिमल में निकाल के यहाँ पे इसको लिख देंगे कि दिस सेंटीमीटर, उसका कोई हमें यूज नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम हियर, टेक द फ्रैक्शन एज इट इज, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास है 4/3 πr³, 4/3 × 22/7, या फिर पाई को पाई लेना है तो जैसे मर्जी कर लो, इट इज 5/2³। अब आप देख लो 22/7 आप तब लोगे अगर आपको कोई डेसिमल में निकालना है या फ्रैक्शन में निकालना है, लेकिन आप देख रहे हो इसके जो जो भी ऑप्शंस है उसमें पाई 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 साथ चलता जा रहा है, इसके जब आंसर्स देखोगे सब में पाई आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पाई को 22/7 करने की जरूरत नहीं है, लेट अस लीव इट एज पाई, आंसर हमारा पाई में ही आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी हो गई है, ठीक है। जल्दी से बता दो इसका आंसर, 4/3 πr² × 5/2³। दो मिनट लगा के इसको कर ही लो कंप्लीट। मैम डी ऑप्शन, मैम डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 125/6, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज कमिंग, डी ऑप्शन 125 πr³, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया दे कैन ट्राई एट होम।
ओके आई मस्ट टेल यू, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क. और फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, वी विल डू इट नाउ. क्वेश्चन नंबर 4, अभी आपके एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे. द स्लांट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन 10 मीटर. एल आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ओके, एंड हाइट आपको दी हुई है 8 मीटर्स. फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया, सी एस ए निकालना है. सो सिंपल क्वेश्चन, इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है. एल और एच आपको दिया हुआ है ना, पाई आर एल. स्लांट हाइट भी दी हुई है, एल एल आपको दिया हुआ है, ठीक है. तो इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर, आपको पता नहीं है, निकाल लेना इसको, इंटू 10. कैन यू फाइंड आर? हाइट आपको दी हुई है, एल निकाल लो जल्दी से. एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 64. यस, व्हाट इज कमिंग बेटा? 6. वेरी गुड, बहुत अच्छा. इट इज कमिंग 60 पाई, इट मींस सीएसए आपके पास आ रहा है 60 पाई. तो बहुत ही 2 मिनट का क्वेश्चन था ये, 60 पाई, इट मींस सी ऑप्शन इज देयर. ठीक है बेटे, ये थोड़ी जनरल नॉलेज वाली क्वेश्चन है, ठीक है. कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन, तो कुछ भी नहीं है, और ज्यादा यही क्वेश्चन ही आते हैं आपके, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, आई एम गिविंग यू क्लू, सी ऑप्शन आ रही है इसकी, 1:3, प्लीज ट्राई एट होम, दिस योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 की सी ऑप्शन, ठीक है, इसको ट्राई करना घर पे. 1:3 आ रही है. अब आपने रेशियो वाले क्वेश्चन कर लिए अच्छे से, यू नो. ओके बेटी, एंड इफ यू फाइंड टाइम केस स्टडी क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन डू, यू आर एक्सपर्ट नाउ इन डूइंग दीज क्वेश्चन. शैल आई मार्क द आंसर्स फॉर केस स्टडी, विल यू ट्राई एट होम? यस, ओके. केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपकी बी ऑप्शन है, यू कैन मार्क इट एंड ट्राई इट होम. केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी ऑप्शन है, 55.44 मीटर स्क्वायर. सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला एवरीबडी नोज, इट इज ऑल्सो बी ऑप्शन. थर्ड वाला, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एट द सेंटर इफ बेस इज दिस, सिंपल सा क्वेश्चन है. थर्ड, ये आप अपना टेस्ट मान के चलना, दिस इज योर टेस्ट, इफ यू विल बी एबल टू डू दिस इट मीन्स यू हैव बिकम परफेक्ट इन दिस चैप्टर, सी ऑप्शन. फोर्थ, व्हाट इज द लेटर सरफेस एरिया ऑफ ऑल 4 पिलर्स, सबको ऐड करना है चारों के चारों को, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस विल बी सी ऑप्शन, 4928 मीटर स्क्वायर. प्लीज ट्राई एट होम, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, एंड प्लीज डू वेल इन योर टेस्ट आफ्टर रिवाइजिंग दिस ऑल. ओके, चलो, आई होप बेल हो गई आपकी बेटा. और टाइम इज ओवर या है अभी टाइम बेटा? प्लीज, ओके, यू वांट टू डू इट फर्दर या टाइम आपका? If you can do further, इसको कर लो अभी, टाइम है तो. नो टाइम, बेल होगी आपकी,
चलो ओके देन, ऑल द बेस्ट। Thank you.